माह रमजान उल मुबारक 1444 का चांद नजर नहीं आया। आज बरोज़े बुध मौरिखा 29 शाबान 1444 मुताबिक 22/3/2023 बाद नमाज मगरिब हिलाल कमेटी अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के दफ्तर में माह रमजान 1444 की रुयत व सबूत व शहादत के सिलसिले में उलमाए किराम की मजलिस मुनक़िद हुई। चांद देखने का अहतमाम किया गया, मतलब साफ था लेकिन चांद नज़र नहीं आया और न अतराफ अकनाब से कहीं पर भी चांद देखने की खबर मौजूद हुई। इसलिए तमाम उलमाए कराम ने बिल इत्तेफाक ये फैसला लिया कि यकम रमज़ान बरोज़ जुमा मौरिखा 24/3/2023 को होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज बरोज़ बुध बतारीख 29 शाबान-उल-मुअज़्ज़म सन 1444 हिजरी अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के चांद देखने का एहतमाम किया गया। बेलगाम में मतला साफ होने के बावजूद चांद की रुयत नहीं हुई। फिर हसब मामूल रियासत कर्नाटक और मुल्क के दिगर रियासतों से चांद की शहादत या खबर या इत्तला की कोशिशें की गई, लेकिन कहीं से न चांद की रुयत न शहादत और न मोतबर ज़राए से चांद की इत्तला ही मिली। इसलिए बिल इत्तेफाक उलमाए बेलगाम ने ये फैसला लिया कि हदीस पाक के हुक्म के मुताबिक 29 शाबान मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल जुमेरात बाद ग़ुरूब आफ्ताब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होगा और जुमा का दिन रमज़ान की पहली तारीख और पहला रोज़ा होगा। खुदा बंदे करीम हम सब को रमज़ान के एहतराम की तौफीक रफ़ी करना। आज 29 शाबान-उल-मुअज़्ज़म बरोज़े बुध बाद नमाज़ मगरिब अंजुमन हाल में हज़रात उलमाए शहर बेलगाम की मीटिंग एक मशवरा रखा गया, जिसका मकसद माह रमज़ान की रुयत और शहादत हिलाल रमज़ान से मुतालिक बहस और तमहीज़ और गौर व फिक्र और देखने के अहतमाम के सिलसिले में यहाँ ये मजलिस मुनाकिद हुई। मतला साफ होने के बावजूद कहीं पूरे शहर में रुयत की खबर नहीं मिली, शहादत नहीं मिली और अतराफ व अकनाफ से भी कहीं से भी रुयत की कोई खबर नहीं आई, शहादत की कोई खबर नहीं आई, कोई मोतबर ज़राए से रुयत हिलाल की कोई खबर मौसूल न हुई। इसलिए हर हसब इरशाद नबवी सोमो लिरुयतिही व अफ़्तिमु लिरुयतिही फ़इन ग़ुम्मा अलैकुम फ़अतिम्मु सलासी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कि रोज़ा चाँद देख कर रोज़ा रखे करें और चाँद देख कर रोज़ा छोड़ा करें और जब तुम्हारे ऊपर बदली आ जाए, गुबार आ जाए चाँद के ऊपर मतले के ऊपर, इस सूरत में पूरे 30 दिन मुकम्मल करने के बाद जो है रमज़ान का एहतमाम किया जाए। इस इरशाद नबवी के पेश नज़र आज चाँद नज़र न आने की वजह से 29 शाबान के बाद कल 30 शाबान होगी और कल इंशाअल्लाह कल तरावी होगी और जुमा का पहला रोज़ा होगा। अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को जहाँ कहीं रमज़ान की यकम तारीख हो रही है, अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत का ज़रिया बनाए। नौजवानों को भी चाहिए, मुसलमान माँ बहनों को चाहिए कि माह रमज़ान का खूब खूब एहतराम करें, मटर गश्ती में वक्त ज़ाया न करें, नमाज़ों का अहतमाम करें, तिलावत का अहतमाम करें, ज़िक्र का अहतमाम करें, मुल्क के जो हालात हैं उन हालात के सुधार के लिए, मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की के लिए और नेक नामी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं भी करें और उसके लिए अपना जो है तआवुन भी करें। अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाएं और इसी तरह माह रमज़ान की 100% कदर करके अपने आली दरबार में शरफ़ और कबूलियत हासिल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाकिफ़ दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अंजुमन इस्लाम ने हिलाल कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की है। तमाम उलमाए इकराम
यहाँ पे मौजूद हैं चांद देखने की कोशिश पूरी हुई और कहाँ से भी चांद दिखने की खबर नहीं आई और बेंगलोर से भी वहाँ से भी खबर मिली कि कहाँ पे भी मुल्क में चांद नज़र नहीं आया है। तो पहला रोज़ जुम्मा को होगा और जुमेरात की पहली तलाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।